Assalamu alaikum students, I hope that you are doing well at your homes. In this chapter lecture, we are going to start off with a new chapter, which is chapter number 6 of your book. So, aap logo ko chapter number 6 na open kar lijiye, page number 87. So, good nutrition. Nutrition kya hota hai? न्यूट्रिशन जो होता है वो जो चीज़ जो हम खाते हैं, जो हम लोग चीज़ अपने पेट के अंदर डालते हैं अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. सो पेज नंबर 89 पर इसकी डेफिनेशन लिखी होगी, विच इज न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड. ओके, तो बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स और वी आर मेड और वी आर मेड इन दिस वे वेन वी वेयर वी नीड टू ईट एंड ड्रिंक इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सो इफ यू नीड टू सर्वाइव वी हैव टू ड्रिंक एंड ईट. तो हमारी जो डाइटरी नीड्स हैं बॉडी की, जिस एनर्जी हासिल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव टू लिव, वी नीड टू ईट. सो जो चीज़ हम खाते पीते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है, तो नाउ पेज नंबर 90 ऑफ बुक. गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन, रिपेयर ऑफ सेल्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड हेल्थ. तो एक अच्छे, अगर आपने, इफ यू वांट टू बी अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, इफ यू वांट टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, और यू नो, तो फिर आप लोगों की जो न्यूट्रिशन है, उसको डाइट है, वो अच्छी होनी चाहिए. इट शुड बी गुड, इट शुड बी हेल्दी. मतलब आपको बैलेंस डाइट करनी चाहिए, आपको ज़्यादा वाइटमिन, मिनरल्स, यू नो, हेल्दी फैट्स एंड फाइबर्स, प्रोटीन, सब चीज़ें जो है ना, एक बैलेंस डाइट एक अच्छे अमाउंट में आपको खाने चाहिए. तो जो अच्छी न्यूट्रिशन है वो किसके लिए है? यानी कि ऑब्वियसली हमारी जो ग्रोथ होती है एक सर्टेन एज तक, 28 ईयर्स तक हम लोग जब तक हम ग्रो करते रहते हैं, तब तक जो है उस ग्रोथ के लिए हमें जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए. इसके अलावा जो हम, पहली बात, हम कोई काम करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसमें एनर्जी लगती है. जब हम बोल रहे होते हैं तो तब भी हमारी, हमें एनर्जी लग रही होती है, हम यूज कर रहे होते हैं. अगर हमारी एनर्जी नहीं होगी तो हम बोल नहीं सकेंगे. अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. वी नीड एनर्जी टू वर्क, टू फंक्शन. तो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाई गुड न्यूट्रिशन. इसके अलावा जो सेल्स डैमेज होते हैं हमारे इंसान के अंदर, इंसान जो होता है उसके अंदर जब आपको चोट लगती है तो आपके जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं. तो वो सेल्स बार 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 बॉडी में, हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो बार बार रिकवर, रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो टूटते हैं दोबारा बनते हैं. तो जो ये बॉडी, जो सेल्स जो होते हैं, जो ये दोबारा से बनते हैं, उनके लिए भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए. इसके अलावा जितने भी हमें, हाँ, हेल्दी रहने के लिए जितनी भी हमें एस्पेक्ट्स हैं, उनके लिए हमें, वी नीड टू हैव गुड न्यूट्रिशन. पुअर न्यूट्रिशन के नीड टू रिड्यूस इम्यूनिटी. यानी अगर आपकी जो अगर आप अच्छी चीज़ नहीं खाओगे, अगर आप जंक फूड खाओगे, हेल्दी फूड में, फिर वो टू इंटेलिजेंट जंक फूड, अनहेल्दी फूड और इस तरह की चीज़ों में इंटेल करोगे अपने आप को, देन वो आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी भूख है, उसको भी इफेक्ट करता है. अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आपकी हेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी. इसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज, तो बीमारी लगने का आपको ज़्यादा अंदेशा होगा. इसके अलावा इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, तो आपकी जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो सही प्रॉपर नहीं होगी, उसमें इश्यूज होंगे. आप मेंटली भी फिट नहीं रहोगे और फिजिकली भी फिट नहीं रहोगे. और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, यानी आप ऑब्वियसली जब आप बीमार होगे, इफ यू आर प्रोन टू डिजीज, इफ यू आर नॉट हेल्दी, इफ यू आर नॉट यू नो, इफ यू हैव रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड न्यूट्रिशन, देन ऑब्वियसली आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो ऑब्वियसली खुद बहुत इफेक्ट हो जाएगी. ठीक है, अब हम देखते हैं DIET डाइट का मतलब क्या होता है. पेज नंबर 91 ऑफ योर बुक. डाइट इज द फूड अ पर्सन यूजली ईट्स और ड्रिंक्स. Having a balanced diet of nutrients is important to our growth and for our bodies to function properly. Diet क्या होती है? हमारी खुराक. Diet को उर्दू में हम कहते हैं खुराक. ठीक है, so when a person eats or drinks, it is very important because the food consumed gives them energy to grow and function. ये वही बात है जो मैंने पहले बताई कि हमें
जो हम खाएंगे उसी से हम एनर्जी मिलेगी, उसी से हम ग्रो करेंगे, फंक्शन भी करेंगे. अ पर्सन शुड चूज फूड दैट हैव मेनी न्यूट्रिएंट्स सो दैट देयर बॉडी स्टेज हेल्थी. जितना न्यूट्रिशियस होता है, जितने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, जितनी हमारी न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कहते हैं खजाक होते हैं, मतलब जो चीज़ हम खा रहे होते हैं, तो वो जितनी अच्छी हम खाएंगे, जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, उतनी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी. देर आर सिक्स बेसिक काइंड्स ऑफ फूड दैट अ बॉडी नीड्स टू टेक इन डेली. ठीक है, छह किस्म की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को डेली लेनी चाहिए. तो ये जो सिक्स फूड ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, और इसके अलावा कौन से? फाइबर्स. फाइबर्स एंड विटामिन्स जो होते हैं वो एक ही उसका पार्ट होते हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप का पार्ट होते हैं. सो ये जो है बेसिकली सिक्स जो है हमारे फूड ग्रुप है, जिनमें आपको कार्ब्स में ब्रेड और यू नो जो फैटनिंग चीजें जैसे वाइट फ्लावर और इस तरह की सारी जो चीज़ें होती हैं उसके इंक्लूडेड होती है. मिनरल्स जिसमें फ्रूट आता है, दूध आता है, मिल्क, योगर्ट. प्रोटीन्स में मीट, फिश, एग्स, ये सारी चीज़ें. विच विटामिन्स में ये फ्रूट एंड एवरीथिंग. फैट्स में हेल्दी फैट्स भी होते हैं, अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं, ठीक है. तो देर आर सिक्स बेसिक काइंड ऑफ फूड दैट अ बॉडी नीड्स. इफ अ पर्सन डजंट टेक इन द राइट अमाउंट ऑफ दीज सिक्स न्यूट्रिएंट्स देयर बॉडी विल नॉट ग्रो और फंक्शन वेल. अगर ये प्रॉपरली हम लोग नहीं खाएंगे, सपोज आप सिर्फ मिनरल्स ही खाते रहे और बाकी कार्ब्स भी ना खाएं, फैट्स भी नहीं खाते, वी डोंट ईट विटामिन्स एंड फाइबर्स, तो फिर हम लोग जो है वो उस तरह से हेल्दी नहीं वो खा सकेंगे, मतलब इस तरह से हेल्दी नहीं रहेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. हमें हर फूड ग्रुप में से कुछ ना कुछ चीज़ें खानी चाहिए. नोइंग हाउ मच ऑफ ईच न्यूट्रिएंट टू टेक इन अ वाइल विल हेल्प अ पर्सन टू बी हेल्दी, फील हेल्दी एंड स्टे हेल्दी. तो आप जितना थोड़ा थोड़ा करके खाओगे एक ग्रुप में से, उतना आप हेल्दी भी रहोगे, उतना आप हेल्दी फील भी करोगे, रहोगे भी, और यू नो आप हेल्दी रह भी सकते हो. तो विटामिन्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं. विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई और के, ये डिफरेंट विटामिन्स हैं. मिनरल्स में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, ये सारे जो हैं ये मिनरल्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेड्स आ जाती हैं, और फैट्स में चीज़ आ जाती है. प्रोटीन्स में आपकी एग आ जाता है, फिश आ जाती है. फाइबर्स में जो नट्स वगैरह आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स होती हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रुप हैं. तो ये आप लोगों ने इनको देख लेना है, और इनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. तो टिल देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.